हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस होम डिजाइनर में। तो दोस्तों, डेली की तरह हम आपके लिए नए नए प्लान अपलोड करते रहते हैं। तो आज एक और नए प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी साइज 18 फीट बाई 30 फीट। ये आपका दोस्तों 540 स्क्वायर फीट में गाँव के लिए छोटा सा हाउस प्लान है। तो किस तरह से हमने इस प्लान को डिजाइन किया है, चलते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट में साउथ फेस मिलता है देखने को, वेस्ट ईस्ट और बैक साइड की तरफ नॉर्थ फेस है। और इसका जो दोस्तों इसमें आपकी जितनी भी वॉल है, वो चाहे इनर वॉल हो या आउटर वॉल हो, यहाँ पर आपकी सारी 5 इंच की वॉल देखने को मिलती है। तो अपन चलते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको मेन डोर मिलता है, इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम भी आप इसको बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम मिलता है या आप इसको हॉल बोल सकते हैं। तो इसकी जो आपको साइज मिलती है 10 फीट बाई 10 फीट में, यहाँ यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम मिलता है। और यहाँ पर हमने फ्रंट में 2 विंडो भी दी है ताकि इस ड्राइंग रूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने ओपन वॉल रखी है, इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने स्टेयर केस वाली जगह पर। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं हमने स्टेयर डिजाइन की, यहाँ से हम अप होते हैं और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है 3 फीट बाई 6 फीट 9 इंचों में। यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है 3 फीट, ये वाली साइज है। और ये फ्रंट वाली साइज आपको 6 फीट 9 इंच मिलती है। तो यहाँ पर हमारी लैंडिंग है, फिर यहाँ से होते हुए पहुँच जाते हैं हम अपने टेरिस यानी छत पे। तो इस स्टेयर की जो आपको साइज मिलती है, ये स्टेयर हमने डिज़ाइन की है 6 फीट 9 इंच 6 फीट 9 इंच बाई 13 फीट में। ये हमने स्टेयर डिज़ाइन की है कुछ यू शेप पे हमारी स्टेयर। और इस लैंडिंग पर फ्रंट में हमने एक विंडो भी दी है ताकि इस घर की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस वाली डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 फीट 6 इंच का एक डोर मिलता है। तो यहाँ पर हमने टॉयलेट रखा है, यहाँ पर हमने टॉयलेट एंड बाथरूम दोनों को सेपरेट रखा है। इसकी आपको जो साइज मिलती है, ये मिलती है 4 फीट, ये सामने वाली साइज है। और 3 फीट 6 इंच आपको ये वाली साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपको 3 फीट 6 इंच बाई 4 फीट में टॉयलेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाहर की तरफ भी वेंटिलेशन की विंडो भी है ताकि इस टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बाथरूम देखने को मिलता है। तो इस बाथरूम की आपको जो साइज मिलती है, ये मिलती है 4 फीट बाई 4 फीट में। तो काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पर आपको बाथरूम देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक विंडो भी हमने बाहर की तरफ दी है ताकि इस बाथरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 फीट, यहाँ पर आपका एक डोर है 3 फीट का। तो यहाँ पर आपको किचन मिलता है काफ़ी बड़े स्पेस में, यहाँ पर हमने किचन रखा है। तो इस किचन की आपको जो साइज मिलती है, ये मिलती है 6 फीट 9 इंच, ये सामने वाली साइज है 6 फीट 9 इंच, ये आपको सामने वाली साइज मिलती है देखने को। और 10 फीट आपको इसकी लेंथ यानी लंबाई मिलती है ये पूरी साइज। और यहाँ पर आपका फ्रिज एरिया भी हो जाएगा 3 फीट बाई 3 फीट में, फ्रिज यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े स्पेस में किचन मिलता है कुछ इस तरह से। हमने एल शेप में हमारा प्लेटफॉर्म भी है कुछ 2 फीट बाई 2 फीट में, यहाँ पर एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म भी बनाया किचन के लिए। और यहाँ पर एक पीछे की तरफ हमने अपने हमने एक विंडो भी दी है ताकि इस किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप किचन के लिए इस वाली जगह को आप एज अ डाइनिंग के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया यहाँ पर आप कर सकते हैं किचन के लिए। तो इस सिटिंग हॉल और डाइनिंग एरिया की आपको जो साइज मिलती है, ये मिलती है 13 फीट, ये सामने वाली साइज मिलती है। और 8 फीट आपको इसकी ये वाली लेंथ मिलती है। तो यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं 3 फीट 6 इंच का, यहाँ पर आपको एक और डोर मिलता है, इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको बेडरूम देखने को मिलता है, इस बेडरूम की भी आपको जो साइज मिलती है 10 फीट बाई 10 फीट में, 10 फीट और 10 फीट आपको इसकी लेंथ भी मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक सफिशियंट बेडरूम मिलता है 10 फीट बाई 10 फीट का। और यहाँ पर नॉर्थ साइड में नॉर्थ की तरफ हमने एक विंडो भी दी है ताकि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा 540 स्क्वायर फीट में सिंगल स्टोरी का हाउस प्लान था, ग्राउंड फ्लोर का बहुत ही कम स्पेस में इसको हमने डिज़ाइन किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के नए नए हाउस प्लान हम आपके लिए डेली अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।